इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग की ये बड़ी प्रेस वार्ता हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज एक प्रेस वार्ता की। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में तीन फेज में चुनाव होंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, ये प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई है। साथ ही बता दें 25 सितंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में मतदान किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आज चुनाव आयोग की ये बड़ी प्रेस वार्ता हुई और उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर ये जानकारियां साझा की गई हैं। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो एक चरण में वहां विधानसभा चुनाव होंगे और हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और दोनों ही जगह पर 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग की ये बड़ी प्रेस वार्ता आज हुई है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका आज ऐलान कर दिया गया है। 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन अगर बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे और हरियाणा में 1 फेज में मतदान किया जाएगा। इससे पहले टीम ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी साझा की, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बूथ पर लंबी कतारें दिखी और ये बड़ा फैसला लिया गया है। मौसम ठीक होने के इंतजार में थे, जिसके बाद अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज चुनाव होंगे। अमरनाथ यात्रा के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था और करीब 11,838 पोलिंग बूथ वहां पर बनाए जाएंगे, जिसमें मतदान होगा, और 360 मॉडल पोलिंग बूथ भी वहां होंगे। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के बाद वहां का माहौल बदलता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही बता दें कि राजीव कुमार ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि बिना डर के वहां पर प्रचार हो। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कुल 2.1 करोड़ मतदाता हैं और वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा में 10,327 वोटर 100 साल के ऊपर के हैं और हरियाणा में 150 बूथ मॉडल होंगे। ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आज ये जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को कराई जाएगी, वहीं दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। साथ ही आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को तीसरे फेज में ये वोटिंग जम्मू कश्मीर में होगी और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में 1 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे और 1 अक्टूबर को वहां पर मतदान कराया जाएगा। साथ ही बता दें कि आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये सभी जानकारियां साझा की हैं और दोनों ही जगह पर 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में आज ये बड़ी प्रेस वार्ता हुई है चुनाव आयोग की, जिसमें ये जानकारियां दी गई हैं। लगातार आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही चुनाव की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि सितंबर से पहले वहां चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए और उसी के मद्देनजर आज ये प्रेस वार्ता की गई और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और अब सभी जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी पुरजोर कोशिश में लग जाएंगे चुनाव को कराने में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आयोग की कोशिश है कि चुनाव सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच में हो, चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में बूथ पर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद से वहां का माहौल भी ठीक हो गया है और मौसम ठीक होने के इंतजार में थे और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था और अब वो समय आ गया है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 3 फेज में वोटिंग कराई जाएगी, 360 मॉडल पोलिंग बूथ वहां पर बनाए जाएंगे।